अमेरिका और चीन के वार्ताकारों के बीच व्यापार मुद्दों को लेकर दो दिन चली बातचीत बिना किसी ठोस परिणाम के समाप्त हो गई। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार में तनाव के चलते दुनिया भर के वित्तीय बाजारों पर असर पड़ा है और वैश्विक व्यापार प्रभावित हुआ है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता लिंडसे वाल्टर्स ने कहा कि दोनों प्रतिनिधि मंडलों के बीच आर्थिक रिश्तों में निष्पक्षता, संतुलन और पारस्परिकता को लेकर विचारों का आदान प्रदान हुआ। उन्होंने आगे बातचीत के बारे में कुछ नहीं कहा। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि बातचीत रचनात्मक और खुले माहौल में हुई, हालांकि उन्होंने भी बातचीत का कोई ब्यौरा नहीं दिया। इसमें कहा गया कि दोनों पक्ष संपर्क बनाए रखेंगे। आपको बता दें कि चीन की उच्च प्रौद्योगिकी औद्योगिकी नीति को लेकर विवाद कल उस समय और बढ़ गया जब ट्रंप प्रशासन और बीजिंग दोनों ने एक दूसरे के 16 अरब डॉलर के और सामान पर आयात शुल्क लगा दिया। ट्रंप प्रशासन ने पिछले महीने ही 34 अरब डॉलर के चीनी उत्पादों पर आयात शुल्क लगाया है। बीजिंग ने भी उसके जवाब में अमेरिकी आयात पर शुल्क लगा दिया। ट्रंप प्रशासन चीन के 200 अरब डॉलर के उत्पादों पर शुल्क लगाने की तैयारी कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ चीन भी 60 अरब डॉलर के अमेरिकी सामान पर जवाबी शुल्क की तैयारी में है।